क्या यग्द्रेशल का क्रिएटर अब लोकी है? टाइम स्टोन का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि लोकी का मैजिक ग्रीन है। और हमें आगे देखने के लिए क्या मिल सकता है लोकी से रिलेटेड? या फिर लोकी कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जिसकी कमांड अब शायद कोई बड़ा विलन संभालने वाला है, जैसा उसने एवेंजर फर्स्ट पार्ट में किया था थानोस के कहने पे। पर इस बार मामला मल्टीवर्स से रिलेटेड है, तो जानेंगे इस वीडियो में लोकी सीजन 2 से रिलेटेड। एपिसोड 6 के एंडिंग को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना। जल्दी से वीडियो को चालू करता हूं। एंडिंग में हमने देखा कि लोकी ने टेम्पोरल लूम को एक्सप्लोड कर दिया, जिससे जितनी भी शाखाएं जुड़ी हुई थी सेक्रेट टाइमलाइन से वो सारी टूट गई। शाखाएं बेजान होने लगी, पर लोकी ने अपने जादू से उनमें जान भोग दी और बना दिया यग्द्रेशल ट्री। और इसे देख के ऐसा लगता है कि जो यग्द्रेशल ट्री है उसका निर्माता एमसीयू में, स्पेशली मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में, इस ट्री ऑफ लाइफ का क्रिएटर अब लोकी है। इसके बारे में हमने थोर द डार्क वर्ल्ड में सुन चुके हैं, पर इसका क्रिएटर कौन है ये हमें बताया नहीं था। पर इस एपिसोड को देख के ऐसा लगता है कि यग्द्रेशल का जो निर्माता है वो लोकी है, और ये बात ओडिन को पता नहीं है। ये काफी सोचने वाली बात है। अगर हम कॉमिक बुक में देखेंगे तो स्टोरी कुछ और ही थी, पर मैं जो भी हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक देखा है मैं उसी को लेके चलने वाला। तो यहाँ पे एपिसोड में यही दिखाया गया कि अब सबके पास फ्री विल है, जैसा कि ही रिमेंस ने उन लोगों से उनकी फ्री विल छीन ली थी। पर यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया गया कि लोकी ने अब जिंदगी बहाल कर दी है, उन सबको फ्री विल दी है और हर कोई अपने मुताबिक जी सकता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो लोकी है ये गॉड ऑफ स्टोरीज है, जो कि कहानियां लिख सकता है हर किसी की। वो अब चाहे तो किसी की किस्मत अपने मुताबिक लिख सकता है और खराब कर सकता है, और जो शायद अब उसको पूजेंगे शायद उनको धनवान भी बना दे। क्योंकि हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में ही देखा था कि हमें लोकी का स्टैचू देखने को नहीं मिला था, और अब शायद मेरे ख्याल से लोकी को अब लोग है ना पूजना चालू कर देंगे, तो शायद उसका स्टैचू हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मैं भी उसकी पूजा करूंगा। पर अगर हम हीरो रिमेंस को देखे, उसको गद्दी का नशा था, मतलब सीट उसने प्राप्त करी थी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, और इसी वजह से इसने ये चक्रव्यूह रचा ताकि जो भी चीजें हो इन द फ्यूचर वो वापस जाके इसी पे खत्म हो। कहते हैं ना आदि और अंत मैं ही हूँ, तो ही रिमेंस वैसा गॉड बन चुका था, पर इन सारी चीजों को तोड़ा लोकी ने। जहाँ गद्दे का नशा लोकी को भी था, अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी की स्टोरीज देखे तो उसे भी गद्दी चाहिए थी, उसे भी राज्य करना था लोगों पर, और किसी कारण से वो फेल होता था। पर यहाँ पे वो सक्सीड होता हुआ दिखा, पर उसने काफी बड़ा बलिदान दिया। और अब देखा जाए तो लोकी जो है वो समय के परे है, पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो शरारतों का देवता भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप बड़े तो बन जाते हो, आप धनवान भी बन जाते हो, और आपकी कुछ आदतें ऐसी होती है जो शायद आप छोड़ नहीं सकते हो। वैसा ही हमें लोकी के साथ देखने को मिल सकता है मेरे ख्याल से। ये चीज कितनी सच होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर इस सीरीज में हमने देखा कि लोकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से हमें दिखाया। अब वो लोगों की परवाह करना चालू कर चुका है, लोगों से प्यार करने लगा है, दोस्त बनाना सीख गया। भाई मेरे, जो बंदा अपने भाई को बार बार धोखा दे रहा था अब वो दोस्त भी बना रहा है। तो ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी बेहतरीन तरीके से हमें इस सीरीज में देखने को मिला। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। उसने कई बार अपने भाई के साथ जबरदस्त एक्टिंग करी और उसको हमेशा फंसा दिया है, तो शायद मे भी वो दोबारा से कुछ बड़ा करने वाला है। और इस बार जो थ्रेट का लेवल होगा वो मल्टीवर्स होगा, क्योंकि इस बार उसे पूरे मल्टीवर्स की गद्दी संभालनी है। वैसे वो संभाल तो रहा है, पर क्या पता वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत, और वो दोबारा से एक बड़ा खतरा बन सकता है, जैसे वो एवेंजर फर्स्ट पार्ट में बना था। थानोस ने उसे कमांड किया था और अपनी सेना भी दी थी, चित्तौरी सेना, ताकि वो पृथ्वी पर राज कर सके, पर एवेंजर्स के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। और इस बार मुझे लग रहा है कि लोकी के पीछे डॉक्टर डूम है। लोकी की पावर ग्रीन है और उसका मैजिक भी ग्रीन है, डॉक्टर डूम का मैजिक भी ग्रीन है और उसकी पावर भी समहाउ ग्रीन ही है, और ग्रीन से मेरा मतलब वो समय को दर्शाता है। और एक थ्योरी ऐसी भी घूम रही थी कि टाइम स्टोन का जो कलर है वो इसलिए ग्रीन है क्योंकि लोकी की जो पावर्स है वो ग्रीन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर किसी चीज को वो कलर से सिंबलाइज करते हैं। समय को उन्होंने सिंबलाइज कर रखा है ग्रीन कलर से, तो जहां पे भी हमें समय की चीजें दिखेगी वो ग्रीन दिखेगी। पर अब ये मत बोलना कि टाइमलाइन ब्लू क्यों थी, वो एक स्पेस का मामला है। तो इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इन डेप्थ अगर बोलने जाऊंगा तो काफी फिलोसफिकल हो जाएगी चीजें। पर मेरे ख्याल से क्योंकि ये लोग सेटअप करने वाले हैं डॉक्टर डूम को, ड्यू टू जोनाथन मेजर के जो केसेस है वो अभी भी रिजोल्व नहीं हुए हैं, तो मे बी शायद ये लोग सेटअप कर दे डॉक्टर डूम को। और यहाँ पे इतनी बड़ी पावर लोकी को थमाई गई है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर डूम के द्वारा थमाई गई है। और मे बी हो सकता है, पता नहीं, ये थ्योरी है, स्पेकुलेशन है, कि लोकी जितना भी जानता है टाइम से रिलेटेड चीजें वो सारी चीजें वो विक्टर वॉन डूम की वजह से जानता है। मे बी एमसीयू का जो अगला थ्रेट है वो डॉक्टर डूम हो सकता है, सिवाय कैंग के, और कैंग डायनेस्टी भी इन्होंने अनाउंस कर रखी है। तो अब चीजें कैसे टर्न आउट होती है वो देखने वाली होगी। अगर जोनाथन मेजर
केस जीत जाता है। तो मे भी शायद ये कैंग को कंटिन्यू करेंगे और हमें कैंग डायनेस्टी सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगा। और क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम भी दिखने वाला था तो मे भी शायद ये लोग जो प्रोसेस है उससे फास्ट फॉरवर्ड कर दे और कैंग डायनेस्टी हमें कभी और देखने को मिले। तो ये सारी चीजें स्पेकुलेशन है, बहुत सारी थ्योरीज है अभी भी दिमाग में और क्वेश्चंस भी है कि जो भी हमें सीरीज में देखने को मिला वो कितना रियल है और उसके पीछे क्या बिल्डअप हुआ है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइन देखोगे तो बॉस वो सच में खतरनाक बंदा है और अगर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि ये फिर एमसीयू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। वैसे तो गैलेक्टस भी बाकी है और भी बड़े जायंट्स विलन बाकी है बट डॉक्टर डूम की बात एकदम अलग है। तो मैं सच में होप करता हूँ कि चीजें कैसे टर्न आउट होगी। वैसे तो मैं पर्सनली कैंग को देखना चाहूंगा और उसके बाद डॉक्टर डूम देखना चाहूंगा, पर जो भी पहले मिल जाए मजे तो हम फैंस के ही है। तो इस वीडियो को मैं सारी चीजों के साथ खत्म करता हूँ और मेरे दिमाग में जो भी थ्योरीज है और भी चीजें मैं सोच रहा हूँ लिख रहा हूँ उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले दोस्तों स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम।